हेलो नमस्ते सत श्रीकाल केम छू कसा काय कैमरा मालो एंड वेलकम टू माय चैनल यतिंद्र सिंह। तो दोस्तों तुम तो जानते हो कि मैं बहुत बड़ा हरामी हूँ, तो जब से मैं देखा कि लड़की ने हमें ज्वाइन किया है जिसका नाम है लव दिव्या, तब से मैं अरदास लगाए जा रहा हूँ कि मतलब विश कर रहा हूँ कि ये लोग ने माइक ऑन करा, सब लोग करते इसी बार दिव्या भी करते, इसलिए मैं तभी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ माइक ऑन प्लीज माइक ऑन प्लीज माइक ऑन प्लीज। तो क्या फिलहाल हम लोग पहले कुछ गन्स निकाल लेते हैं, माइक तो बाद में भी ऑन करा लेंगे। इधर मिल गई है MP5 और सबसे बुरी बात यह है कि पिछले वीडियो में स्किन मिली थी, अगले वीडियो तक स्किन बची ही नहीं, टाइम लिमिट का था। मैंने कहा ना एक या दो दिन के लिए मिलती है, मतलब अगर स्किन्स परमानेंट हो जाए ना भाई तो क्या कहने, मतलब क्या कहें भाई। और जैसा कि पता चला है कि V2 बुला है, तो उसे मैंने देखा कि मुझे मशरूम खाने हैं और स्नाइपर से 8 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है, तो इसलिए अभी मैं खोज में हूँ स्नाइपर की। दिव्या को किसी ने गोली मारी है, मैं देखूं कि या मैं पीछे जाता हूँ वो तो उसको संभाल लेगी बंदे को सामने। ओ भाई 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 भाई, आराम से आराम से, बस गया गया गया, आराम से आराम से आराम से तो निकल आएगा। और ओ भाई 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 भाई, भाई। बंदर लगभग मार ही दिया था यार मुझे, और सर मुझे हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। खैर भर तो गई है, अभी आगे जाके भर भी जाएगी, तो अगर ना सुनना हो तो अच्छा है, सुन लिया है तो तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत है नहीं। वो मेरी बहन थी जो मुझे मोटू करके बुला रही थी, वैसे मैं मोटू हूँ नहीं, सुन लो साला। यार मैंने ये भी उड़ा दिया तब भी नहीं बंदा मर रहा है, ये जो वो चल रहा है ना ईद का, उसे खुशी मना रहे हैं जो फ्री फायर वाले, ठीक है खुशी मनाओ, क्रोनो बांट रहे हैं सबको 7 दिन के लिए, और इन 7 दिन तक हम लोग ज्यादा मरते रहे, तो मेहनत करें और फिर तुमको क्रोनो लगा लो। मैं स्नाइपर हम रख ले रहा हूँ साथ में, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी यहाँ से जाऊँगा, मैं क्या कहते हैं पोचिनोक पे, और वहां जाके मैं वेंडिंग टोकन मशीन से M82 भी निकाल लूंगा। एक बंदा सामने, हेडशॉट, दिक्कत यही है ना कि क्लासिक में प्लेयर्स को स्नाइपर से ही एलिमिनेट करना है, कोई और गन नहीं, वरना अभी तक ये मेरा मिशन पूरा हो चुका होता। और उम्मीद करता हूँ कि इस मैच में अपना खत्म कर लूँ, क्योंकि मैंने पहले से 8 प्लेयर्स को मारा, तो मैंने शायद 4 या 5 को मार ही दिया है फिलहाल, मैं मारूंगा, मुझे पक्का याद नहीं मैंने कितने मारा, तो जो भी प्लेयर्स मिलेंगे मैं उनको इससे मारूंगा। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पोचिनोक पे, जहां से निकालेंगे हम लोग M82 भी, क्या कहते हैं उसको, त्याग देंगे पैराफेरल को, त्याग देंगे और M82 भी चलाएंगे। ओ भाई भाई भाई, यहाँ से मैं एमओ निकालने की शुरुआत करता हूँ। अभी मैं किल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास अभी सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, मुझे इक्विपमेंट मिलने दो, सबकी हालत टाइट करता हूँ मैं। पैराफेरल भी निकाल देते हैं अभी, M82 भी, ग्रेनेड मैग लेवल 2 तो है, 3 है, गलती से ले लिया, टोकन खर्च कर दिया मैंने फालतू में। और ये हमारा अब आभा, तो यहाँ पे मैं चलाने वाला हूँ कुछ देर में M82V। लो बकरा मिल गया पहला ही, तो उसको हम लोग मारेंगे हेडशॉट, बस यही जा रही है। मैंने पहले पता है मैंने कुछ पहले मतलब पहले मैंने मैच किया उसमें लगभग मैंने मार रहे थे 8 बंदे, मैंने मारे 12 और उसमें से मुझे स्कोर मिला 4, क्योंकि क्या था बंदों को एलिमिनेट करने के बाद उन्हें अपने आप मरना है, हमें किल नहीं करना है या हमारे किसी टीम मेट को किल नहीं करना है, और मैंने यही गलती कर बैठी थी, मतलब कर बैठा था, गलती निकल गया, तो मतलब इसी की वजह से मैं समझाऊँ, इसलिए मैंने बंदों को मार ले रहा मैं। पर जहाँ कोशिश मतलब जहाँ लगा कि हाँ बंदे को मारना जरूरी है तो वहां पे मार दूंगा। अब मैं दिव्या के पीछे जा रहा हूँ, मैं हर टाइम गुहार लगाता रहूंगा कि मतलब कोई सुन ले और दिव्या अपना माइक ऑन कर दे, वैसे उम्मीद तो करता हूँ कि दिव्या अपना माइक ऑन करेगी, कुछ कह नहीं सकता मैं। इस वीडियो का सोच रहा हूँ टाइटल को प्लेयर्स का माइक ऑन करवाना,
एक ये भी था, 8 मशरूम खाने एनी मोड में, तो मशरूम भी खा रहा हूँ मैं, मतलब फुल्ली भाई, मतलब मैं बैठे से कट्टा करने के पीछे पड़े ही हूँ यार, मैं क्या बताऊँ। अभी ये और मशरूम ले लूँ, देखने और भी मशरूम पड़े हों तो खाया जाए। ओ भाई 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 भाई, बंदे दिख नहीं रहे यार, तो मैं वीडियो कट कर दे रहा हूँ। भागते भागते मैं पीक पर आ गया और एक बंदा दिख गया, उसकी बदकिस्मती से कि वो मुझे दिख गया, पर अभी मेरा कुछ लग नहीं रहा है यार, कुछ मेरे मतलब शॉट्स। रनिंग में मारना मुझे पसंद नहीं है, कभी लग जाते हैं कभी नहीं लगते हैं। इसमें फिजिक्स बड़ी काम आती है, नहीं फिजिक्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, कि हम वहां निशाने लगाएंगे जहाँ प्लेयर है, हम वहां निशाना लगाएंगे जहाँ प्लेयर होने वाला है। सुपर 30, तो चलते हैं वापस नीचे कोचिंग नॉक पर, इसी आसमान के रास्ते में कोई बंदा दिख जाए। और दिव्या ने पकड़ ली थी गाड़ी, हमें लगा था कि वो निकलेगी अनाड़ी, पर उसने काफी किल्स निकाल लिए हैं। और देखो मेरी नजर लग गई, वो बेचारी एलिमिनेट हो गई। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल मैं फैक्ट्री पर, वहां पे मैं जाके देखूँ कि मतलब क्या दिक्कत हो गई है, पर पहले इसमें देख लूँ मैं कुछ पड़ा हो इसमें, इधर SVD पड़ी है यार, मजबूर हूँ मैं नहीं ले सकता यार। ये लो एक मशरूम और, इसे भी मैं खाऊंगा, मुझे मिशन कैंसिल करके पूरे करने हैं, शायद आभा निकाल ले, मतलब जिसने दिव्या को मारा है वो उसको मार दे, देखना पड़ेगा कितने बंदे हैं। हिसाब से कुछ कह पाऊंगा मैं। और ये लो यार, ये भी नॉक आउट हो गया, क्या करूं भाई, मतलब अब मैं अकेले जाके मरूं क्या। धीरे धीरे जाते हैं, रश करते हैं, सबको मारेंगे, सबको गोली खाने को मिलेगी, सबको यतेंद्र सिंह की M8 2B से गोली खाने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो सका तो हेडशॉट भी मिल जाएगा, ठीक है। दिव्या बोली, बोली बंदे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे गाड़ी ने मारा तुम्हें, कम से कम एक यकीन तो होगा कि ये लड़की ही है, वरना लड़के भी लड़की बन के घूमते रहते हैं। सही है यार, सही है। एक बात तो मैंने पक्का कर दिया, जब मुझे यकीन होगा कि ये लड़की ही है तो मैं उसको भेजने वाला हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट। एक ही आवा को देख लो, पता नहीं क्या कहना चाहता है। ये तो समझ आ गया कि इतने सारे नो किसे बंदे अल्लाह आए जाने, थे तो एक प्रो बंदा मिला किसे है। जा रहा है पीछे। अरे मुझे पता है भाई, तुझसे ज्यादा खेला है मैंने। अरे भाई साहब पीछे से आ रहा है, बंदा पीछे। सांस नहीं बैठ रहा, क्या करूँ। तो आगे इधर पीछे से, इसलिए मैं इधर खड़ा होता हूँ कि पता चलता रहे कि कौन बंदा कहाँ से आ रहा है। तुमने तो चूतिया समझ रखा है हमको। अरे इसकी आवाज कितनी प्यारी है, लैग करते हुए आवा जाना की। सीढ़ियों पे ऊपर से, अब मुझे लग रहा है कि आवा की वजह से दिव्य का भी तू लो जा रहा है क्या, लगा मतलब नेटवर्क। थोड़ा पास जाता हूँ, स्नाइपर चलाते हैं और क्या। सामने वो अरे पता है यार, नहीं सीढ़ियों चाहिए पर। पुलिस से, सही हेडशॉट पड़ने से रहेगा यार। वाकई में बहुत ही बुरी नहीं बात है, है, क्या मारते बताऊं यार मैं। अब पहले लूट कर लूं फिर इसको मारते हैं, कि मतलब थोड़ा बंदा ऊपर आ जाए, फालतू चीजें निकालते हैं तो ग्लू वॉल ले लेते हैं। मारते हैं।
पर अभी हम फालतू चीजें निकाले, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता क्योंकि अब मैं अंदर से जाऊंगा। बिल्कुल वो बंदा पेड़ के पीछे क्या है, तो अब मैं अंदर से रश करूंगा। गया बंदा यार, अभी गया। के पास चले जाओ ना, उनसे कवर दो, फैक्ट्री जाओ। ये अली उमर से बोल रही है कि मुझे कवर दिया जाए, पर अभी ये बंदा नहीं बचेगा मेरे सामने, क्योंकि मैं निकालने वाला हूँ स्नाइपर, और देखते हैं बॉडी शॉट कितने का पड़ेगा। यार मुझे कहा था बॉडी शॉट पड़ेगी यार, उसको हेडशॉट पड़ गया गलती से। इसके शायद मैंने मतलब मुझे लग रहा था कि मैं इसके कंधे पे एम कर रहा हूँ, पर इसका तो बॉडी शॉट पड़ गया, मतलब हेडशॉट पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक ही गोली में खत्म हो गया। और यहाँ पे वीडियो फिर से करने वाला हूँ कट, क्योंकि तो बंदे मिलने नहीं वाले। कट करता हूँ। भागते भूखते मैं आ तो गया पीक पर, मतलब पीक पर वापस, और यहाँ मैंने गाली है AWM, क्योंकि वीडियो खत्म होने वाला है, लगभग एक ही बंदा बचा है। तो मैं थोड़ा चलो यार, अब क्या कट करना, लाओ यार वीडियो दोबारा वापस स्टार्ट करते हैं। तो उस एक बंदे को मार के अपना मैच खत्म करते हैं, और देखना कि बंदा कहाँ पे है, कितनी देर में आएगा, क्योंकि हम अभी थोड़ा सेफ हैं, मतलब अभी हमको जोन नहीं खाएगा। अब भले बंदा पीछे रश करता हुआ जाए, अगर उसने मुझे देख लिया है तो, छोटा सिग्नल मिल गया कि लो मिल गया सिग्नल, कहते ही मिल गया, अब इसको पड़ेगा हेडशॉट। बाय बाय भाई, बाय मिस्टर बरोडिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब अपने सात किल निकाल दिए हैं, और बहुत टाइम से मैं क्लासिक मैचेस कर रहा हूँ, तो अगला वीडियो होगा क्लैश स्क्वाड का CS रैंक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड मिलते हैं जल्दी। फ्रेंड रिक्वेस्ट दिव्या।